ज़्यादा सख्ती कर रही है पंजाब सरकार की ओर से, या पंजाब में मास्क लगाना जो है बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है, और अगर मास्क नहीं लगाया जाएगा तो आपका चलान होगा। भले ही आपकी गाड़ी के पेपर काम है तो पुलिस आपको छोड़ भी देगी, लेकिन अगर आपने मास्क नहीं लगा तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर मोगा जिला की बात करूँ तो मोगा में अभी जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनको 200 रुपये का चलान किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भाई साहब करे हैं, इन दोनों के मास्क नहीं पहना हुआ था। और खेत विभाग की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के मुताबिक जो है मोगा की पुलिस जो है वो इस समय इन लोगों के चलान काट रही है। लॉकडाउन की वजह से ढिल दी है कि जे कोई जरूरी कहूँ काम है तो बाहर आवे, अपना काम कार करे, अपना दुकाना जो समान वगैरह लेना। तो ये दो चीज़ें हदायत की गई, सानू भी कितने हदायत भी, एक तो सोशल डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखा जाए, अगर जे कोई मास्क नहीं पाँगा तो उन्होंने अपना सख्ती कार्रवाई की, जुर्माना भी लाए जा रहा, तो उन्होंने अपना क्या हदायत की जा रही है जे घरों किसी ने बाहर निकलना तो वो मास्क पा के निकलेगा। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ। ਚਲਾਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? 200 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਗਾ ਆਪਕੋ? 200 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਗਾ। ਤੋ ਆਪ ਆਗੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ? आगे से यही है कि मास्क वगैरह जरूरी है, उसकी पालना करनी चाहिए है, आगे अगर तो जो जुर्माना ना हो सके, तो सेहत वास्तव जो है ना पालना चाहिए।